मार्वल के वॉट इफ एपिसोड चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मुझे भी अपने चैनल पर वॉट इफ सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि आपके इस सजेस्ट किए गए सिनेरियोस पर बेस्ड होगी। और इस सीरीज में हम उन सिनेरियोस का ब्रेकडाउन करेंगे। एंड आई वोंट बी एबल टू यूज़ एनिमेशन, क्योंकि नहीं आता यार, बट स्टिल हम अपनी इमेजिनेशन और मैं अपनी रिसर्च का यूज़ करूँगा। हाँ, तो फिर आज के एपिसोड यानी एपिसोड 1 में डिस्कस करेंगे कि क्या होता अगर अपने टोनी भैया की जगह अपने ओल्ड मैन यानी कि कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स एंडगेम में स्नैप किया होता। क्या ऐसा होने के बाद भी अपने टोनी भैया मरते, और क्या टीवीए कैप्टन अमेरिका को अरेस्ट करती, या फिर टीवीए की खुद फट के चार हो जाती क्योंकि ये नेक्सस इवेंट हो गया ना। वेल, इस पूरे सिनेरियो का आज ब्रेकडाउन करेंगे। बट इस चैनल पर वीडियोस देखने वाले 97% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और चलो अब वीडियो देखो, बट एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैप्टन अमेरिका का स्नैप करना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि अच्छा वाला कैंग, हाँ हाँ भाई, जिसके लिए लेडी लोकी ने अपने वाले लोकी का प्यार ठुकरा दिया, तो वो अच्छा वाला कैंग यानी कि ही हु रिमेन्स ऐसा होने नहीं देता। बट सपोज समाओ स्नैप करना पॉसिबल होता कैप्टन अमेरिका के लिए, क्योंकि वॉट इफ है भाई, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर समाओ कैप्टन अमेरिका के हाथ अनंत पड़ी से सजा हुआ इन्फिनिटी गाउंटलेट हाथ लग जाता, देन आई एम डैम श्योर कि सबसे पहले फटती अपने बैगन चचा की यानी कि थैनोस की, और वो कैप्टन अमेरिका के पास आता बेसिकली इंटरप्ट करने के लिए या कहें गाउंटलेट छीनने के लिए, और बोलता दैट दिस फेक हैंड बिलोंग्स टू मी। बाकी तो भाई राइटर ने जो लिखा होगा वही बोलेगा। और कैप्टन को दूर, नहीं इतना दूर नहीं, 10-15 meters दूर फेंक देता, आई बिलीव सो। और फिर अपना बैगन इन्फिनिटी गाउंटलेट के थ्रू करता है एक स्नैप। जी हाँ, सही सुना आपने, स्नैप, जो कि कुछ वैसा ही होता है जैसे कि दिवाली का अंजला फटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इंडियन टीवी सीरियल्स की तरह बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो, हाँ कुछ ज़्यादा ही। एनीवे, कैप्टन अमेरिका किसी तरह अन्य पांडे वाला स्ट्रगल करके इन्फिनिटी गाउंटलेट लेकर और पहन कर स्नैप कर देता। अब देखो, अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही बता दूं, कैप्टन अमेरिका के पास एक पीक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी है। सुपर सोल्जर सीरम लेने से कैप्टन अमेरिका कोई हल्क नहीं बन गए थे। और इसी पंचलाइन से याद आया कि कैप्टन की बॉडी में तो गामा रेडिएशन फ्लो भी नहीं करती, यानी कि है ही नहीं, एकदम जीरो। सो अगर उन्होंने स्नैप किया तो बॉडी डैमेज होना तो छोटी बात है, बड़ी बात तो यह है कि कैप्टन अमेरिका की ऐसे में ऑन द स्पॉट डेथ तक हो सकती है। क्योंकि भैया देखो, कैप्टन अमेरिका के पास टोनी भैया की तरह नैनोटेक आर्मर तो कोई है नहीं जो उनको और खुद को एट द सेम टाइम हील कर सके। बट रुको जरा, यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। इस कैप्टन अमेरिका के पास होती है थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड या फिर करंट गर्लफ्रेंड यानी कि म्योनर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर, स्पेशली म्योनर, क्योंकि अपने थॉर कैप्टन अमेरिका को स्टॉर्म ब्रेकर नहीं देगा बट म्योनर दे देता, तो फिर कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स की मोटिवेशन इनटू 100 हो जाती और उन्हें थंडर और स्टॉर्म से रिलेटेड पावर तो मिलती, बट ये पावर ऐसी सिचुएशन में यूज़ करना एसेंशियल और पॉसिबल नहीं होता। बट स्टिल ऐसी सिचुएशन में कैप्टन अमेरिका मरते तो नहीं, बट हाँ बॉडी डैमेज होना तो सर्टेन है। हाँ, म्योनर जो वर्दी है उसको हील कर देता है, बट ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमेरिका अपने पास 24/7 म्योनर रखें। हाँ, ऐसा भी हो सकता रखना पड़ जाए मजबूरी में। अब देखो, यहाँ पर टीवी वाले इंटरप्ट नहीं करते क्योंकि वॉट इफ यार, और अगर इंटरफेयर करते भी तो अवेंजर्स है ना, इतनी आसानी से कैप्टन अमेरिका को जाने नहीं देंगे टीवी वालों के साथ। और हाँ, एक पॉसिबल सिचुएशन ये भी है कि जिस टाइम कैप्टन अमेरिका को गाउंडेड हाथ में मिलता है कि नहीं, यानी कि वो गाउंडेड हाथ में पहनते, उसी टाइम टीवी वाले आ जाते और इंटरफेयर करते, तो ऐसे में टीवी वाले तो ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका को अरेस्ट करेंगे, तो अवेंजर्स कैप्टन अमेरिका के लड़ेंगे। यहाँ पर थैनोस फ़ायदा उठाता इसी चीज़ का और इस बैटल को थैनोस जीत जाता। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि टीवी वाले अपनी इक्विपमेंट यूज़ करके टाइम को रिवाइंड कर सकते थे यानी रीसेट कर सकते थे। तो भाई यही था इस सिनेरियो की पॉसिबल सिचुएशंस का ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि अगले किस सिनेरियो पर आप ब्रेकडाउन चाहते हो। मैं कोशिश तो मैं ट्राई तो करूँगा कि मैं ला सकूँ वीडियो, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो ला सकूँ। अब देखो, टाइम का पता नहीं कब लाऊंगा, लेकिन पक्का लाऊंगा वीडियो, एक बार कमेंट तो करो। हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर मन हो तो, और बेल आइकन भी दबा देना भूलना मत उसे। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन कुछ भी। तुम सब अभी यही हो।
फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार।